दोपहर का वक्त है और हम आए हैं मस्जिद में। देखिए मस्जिद, यहाँ शोएब नमाज़ पढ़ते हुए, और ये है मस्जिद का बाहर का नज़ारा। आइए आपको मस्जिद भी दिखाते हैं, कितनी बड़ी मस्जिद है और बहुत ही हरियाली यहाँ पे, बहुत ही सुकून लग रहा है मुझे यहाँ पे। और देखिए ये मस्जिद, ऐसी मस्जिदें हम बाहर देश देखते थे मोबाइल्स में और टीवी में, लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी आलीशान मस्जिद लाइव देखी है। तो ये पूरा जो है आंगन जो है मस्जिद का है, और यहाँ पे भी सब नमाज़ हम पढ़ सकते हैं। अंदर भी बहुत बड़ी मस्जिद है, आप दरवाज़े देखिए इस मस्जिद के, कितने बड़े बड़े हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। हम यहाँ पे शोएब के साथ आए थे, झाड़ है यहाँ पे, हम आराम से बैठ सकते हैं। कितना बड़ा पंखा है भाई, मौसम चेक कर दिए, इन्वायरमेंट कितना बेहतरीन हो चुका है। पानी की आशंका है थोड़ी बहुत, बादल छाए हुए हैं और यहाँ का मौसम बहुत मस्त होता हुआ। शायद बता रहा था कि अंदर की जितनी मस्जिद आपने देखी अभी इतनी बड़ी, तो वो सारी फुल हो जाती है मगरिब के वक्त। मस्जिद के नीचे भी तलघर जैसा है, और वहाँ पर भी उतनी बड़ी मस्जिद है जितनी अभी ऊपर थी, और ऊपर भी 3-4 फ्लोर है। इतना सजावट और ग्रीनरी मैंने पहली बार देखी मस्जिद में। दोस्तों अभी पानी शुरू हो चुका है, और अभी हमारा इरादा है कि हम पार्क में जाएंगे, देखते हैं सही सलामत बिना भीगे हुए पार्क में पहुँचते हैं या नहीं। देखिए बूंदा बांदी शुरू हो चुके हैं और घने काले बादल आ चुके हैं ऊपर। हम बारिश के अंदर हम आखिरकार पहुंच ही गए हैं पार्क, और बिना गिले हुए। यार पार्क का डिस्कवर करे तुमने, भगवान ने करा, मेरे को बताया उसने। दोस्तों ये मस्जिद और ये पार्क जो जो डिस्कवर करने का श्रेय जाता है, कितनी अच्छी सुकून भरी जगह हमारे लिए उन्होंने छान बीन के रखी, और अभी हम उसका लुत्फ लेते हुए। ये पीछे के एरिया में पूरे झूले हैं, देख सकते हैं आप, वहाँ पे झूले हैं, और इधर कहीं तो भी जिम बताएंगे अभी आपको, जिम है जिम के आगे। अभी आप देख सकते हैं, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा हूँ कैमरे में, अभी बारिश ज़ोरों से शुरू है, तो बारिश रुकते से ही हम जिम जाने की कोशिश करेंगे। तो खैर अभी बारिश रुक गई है, और अभी हम निकले हैं इस जानी पार्क के, और ऐसा घूम के आएंगे, पार्क का मुआयना करेंगे। और आप इस टेबल को देखिए, इसे देखने पे से मालूम पड़ा है तो झाड़ों को काट के बनाया हुआ है, लेकिन ये है सीमेंट का, तो काफ़ी अच्छी कारीगरी देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। जाएगा जिम, तो ये हमारा फ्री का पार्क का जिम, जहाँ पे हम जिम कर सकते हैं, और इट इज़ ओपन फॉर ऑल, पब्लिक के लिए ओपन किया हुआ है ये जिम। आंवले का झाड़, अब बारी है इस मशीन की, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू यूज इट। ऐसा देखने में तो सब बच्चों लगता है। लेट्स पिघलाओ सम चर्बी। तो पार्क से निकल गए अभी, काफ़ी मज़ा आया मुझे तो, फर्स्ट टाइम मैं आया इस पार्क में, और जिम भी की, पढ़ाई भी करेंगे साथ में, घूमेंगे भी, जिम भी करेंगे, और कल से रिजवान को भी साथ में लाएंगे। आज के लिए इतना ही था, हम मिलेंगे कल, और धीरे धीरे बारिश शुरू हो रही है, तो जल्दी जल्दी हमें घर पर जाना पड़ेगा, और अभी ऐसा का वक्त हो चुका है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, हम मिलेंगे कल, बाय बाय।